हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो का ही ये पार्ट टू है, क्योंकि आज है होली, रंग भरी होली। तो बच्चे रंग खेल रहे थे, इससे पिछले वीडियो में आपने यहाँ तक देखा है, उसके आगे का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इंजॉय करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चे छत पर अकेले ही रंग खेल रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और बच्चे सबको देख रहे थे, तो उनका मन कर रहा था, तो इसलिए ये पैर में लगाने वाला रंग रखा था, तो मैंने वही बाल्टी में थोड़ा सा मिला दिया था, क्योंकि ये रंग फैलना नहीं चाहिए, तो इसलिए ये लोग छत पे खेल रहे हैं। और थोड़ी देर में हमने सोचा था कि ये नीचे भी आकर के खेलेंगे। यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए किस तरह से खेल रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखिए एक दूसरे पे ही कलर डाल डाल के पूरी छत पे नाच नाच कर खेल रहे हैं। ये देखिए ये बच्चे सब थोड़े थोड़े से बड़े हैं एक दूसरे से। गुंजन आ गई है तो इसको सपोर्ट मिल गया है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसा कि आप सबको पता है कि होली का दिन है, तो बच्चे हमारे रंग खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो आज पापा का चौथा दिन है, आज चौथा हुआ है, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने में। नहा करके चाय वगैरह दे चुकी हूँ उनको, और बच्चे ऊपर रंग खेल रहे हैं। मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि मुझे खाना भिजवाना है, 10:30 बज रहा है। तो चलिए मैं किचन संभाल लेती हूँ। तो मैंने सुबह मॉर्निंग के सारे काम निपटा लिए हैं, और यहाँ पे मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं। ये देखें, सारे कपड़े धुल चुकी हूँ मैं, और चलिए मैं खाना बना लेती हूँ। 10 बज रहा है, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का होली बहुत अच्छी रहे। तो चलिए बना लेते हैं खाना। तो आज मैं बना रही हूँ मंगौड़ी की कढ़ी, क्योंकि पापा को कढ़ी बहुत पसंद थी। वो मंगौड़ी की निमोना जिसे बोलते हैं, निमोना बनाने जा रही हूँ आज मैं। तो चलिए फटाफट से बना करके तब मिलते हैं आपसे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मंगौड़ी की कढ़ी। तो उसके लिए मैंने मंगौड़ी डाल दी है, और थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी। तो उसको अच्छे से हम भून लेंगे रेड होने तक, क्योंकि मंगौड़ी गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक ये अच्छे से भून जाएंगी, और इनको हम थोड़ी देर बॉईल कर लेंगे। इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको अच्छे से हम मरून होने तक ये अच्छे से भूनेंगे। ये मंगौड़ी हमारी मूंग दाल की है, जो सादी होती है बिल्कुल। तो फटाफट से इसको हम भून करके उसको हम चढ़ा देंगे, रोस्ट कर लेंगे अच्छे से देसी घी में। तो इसमें मैंने बेसन डाल दिया है पानी में, और मैं इसमें डाल देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसमें डाल दूंगी मैं ये हींग, और इसमें डाल देंगे हल्दी, और इसको अच्छे से हम घोल लेंगे। गुलठिया ना रहे, इतना अच्छे से घोल बनाना है, बिल्कुल स्मूथ सा घोल बना लेना है। ये जो गुलठियाँ हैं, इनको हल्के से निकाल देना है इस तरह से कर करके। और ये अभी देखिए अच्छे से भुन गई हैं, अब इनको हम हटा लेंगे, निकाल देंगे। गैस ऑफ कर देते हैं और इनको हम निकाल लेते हैं। गोल्डन होने तक ही भुनना था, तो भुन चुकी है। ये देखिए स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। चलिए इसमें तड़का लगा देते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, एक लाल मिर्च खड़ी और एक तेज पत्ता। सिम आँच पे ही हमें इन सबको रोस्ट करना है अच्छे से। तो मैंने इसमें देसी घी डाला है, मैंने ऑयल नहीं यूज़ किया है। और इसमें डाल देंगे हींग, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको हम हल्दी डाल देंगे, और सिम आँच पे ही करना है, वरना जल जाएंगे मसाले। और डाल देंगे ये घोल जो मैंने बना के रखा था, थोड़ा सा लाल मिर्च 1/2 चम्मच से भी कम, क्योंकि तीखा नहीं चाहिए, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हल्का सा भून लेंगे इन सबको।
आप देख सकते हैं मसाले हमारे जले नहीं हैं बिल्कुल भी, और इसमें एक घोल डाल दिया है मैंने जो बना कर रखा था। दही हम बाद में डालेंगे वरना फिर मंगौड़ी हमारी गल नहीं पाएंगी। मैं मंगौड़ियों को इन्हीं इसी के साथ में गलाऊंगी। नमक डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम अपनी, जैसी बॉयल आएगा वैसे ही हम इसमें मंगौड़ियों को ऐड कर देंगे, क्योंकि भुनी हुई है पकना नहीं है, सिर्फ भूनना है उनको। और इसमें डाल देंगे, देखिए बॉयल आने लगा है हल्का हल्का सा, तो अब इसमें हम साथ में ही डाल देंगे मंगौड़ी। इसके साथ में ये सिम आँच पर उधर चढ़ा देंगे, तब तक राइस और रोटी भी बना लेंगे हम। तो इनको हम अच्छे से ढक करके छोड़ देंगे पकने के लिए। अब ये पकेगी तो गाढ़ी हो जाएगी, तब तक मैं चावल और इसको, ये हो गया परफेक्ट। अब इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे और सिम आँच पर इसको ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा उबाल आने लगा है और गाढ़ी भी होने लगी है। अगर देखेंगे ज़्यादा गाढ़ी होगी तो बाद में हम इसमें पानी डाल करके थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। अभी तो फ़िलहाल सिम आँच पे ही चढ़ाना है इसको, ताकि मंगौड़ियाँ हमारी अच्छे से गल सके। इसीलिए मैंने पहले दही को ऐड नहीं किया, वरना खट्टे की वजह से मंगौड़ियाँ नहीं फूलेंगी। इसको हम पीछे कर देंगे और इस साइड पर हम चढ़ा देंगे राइस। तो मैं राइस कढ़ाई में चढ़ा देती हूँ, प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। दाल वगैरह होती है तो ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखिए बन गई है, तो इसको रख देंगे और जल्दी से हम इसमें राइस से धुल करके, मैंने रख लिए थे पहले से, ये बासमती राइस बना रहे हैं हम, तो साथ ही साथ हमारे राइस भी बन जाएंगे देखते देखते, और हम जल्दी से रोटियाँ भी सेक लेंगे। तो आटा मल करके रख देंगे, ये आने वाले हैं और देर नहीं करनी है, त्यौहार का दिन है और खाने में लेट नहीं होना चाहिए। और बच्चे ऊपर खेल रहे हैं और सेफली हैं इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, और गुंजन है इसलिए, और क्योंकि गुंजन पड़ी है थोड़ी सी, तो यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे राइस भी बॉयल हो गए हैं, तो बस ये भी होने वाले हैं थोड़ी देर में। तो बच्चे आए हैं, बीच में इनको भूख और प्यास लगने लगी थी। छुटकी को तो हर बात पे उनको न्यू फ्रॉक चाहिए, हर बात में न्यू फ्रॉक चाहिए। तो ये देखिए और पानी लेने आए थे बच्चे, पानी लेकर जा रहे हैं। थोड़ी देर हमने कहा संभाल लो बच्चे को, क्योंकि छोटी वाली फिर हमारी चिपकती है, मुझे काम करने हो उसको कलर लगा। ये देखिए बाल्टी पकड़ के ऊपर ले जा रही है, इतनी सी हैं, खुद तो चढ़ना मुश्किल है। तो ये देखिए चलिए हम किचन में देखते हैं। तो ये देखिए हमारी मंगौड़ी बन चुकी है, अच्छे से गल भी गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए अच्छे से गल गई हैं, ये देखिए फूल भी गई हैं, काफ़ी बड़ी भी हो गई, अपने से डबल साइज़ हो गई हैं। तो ये इस तरह से ही पकती हैं, और चाहे आप इनको सब्जी में डालिए चाहे इसमें, क्योंकि पापा जी को बहुत पसंद थी इसकी सब्जी भी और इसकी कड़ी भी मंगौड़ी वाली। तो मम्मी ऐसे ही बनाती थी, थोड़ी मटर डाल करके। अब इसमें दही ऐड कर दिया है मैंने, दही बाद में इसीलिए ऐड किया क्योंकि मंगौड़ी फिर फूलती नहीं है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी 2 चम्मच, और थोड़ा सा इसमें हम पानी भी डालेंगे और 1-2 बॉयल आने देंगे, क्योंकि अभी रखेंगे तो बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए बस इतना ही रखेंगे, और ये कढ़ी हमारी परफेक्ट बन चुकी है। तो 1 बॉयल आ जाएगा, इसमें डाल देंगे फिर हम कस्तूरी मेथी, ढक देते हैं। और ये देखिए हमारे राइस का क्या काम है, ये देखिए राइस हमारे पक रहे हैं, पक चुके हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा और चढ़ाएंगे हम इसको ताकि अच्छे से गल जाए, क्योंकि खड़े चावल नहीं होने चाहिए। और ये आ गया है बॉयल, इसमें हम इसमें डाल देंगे हम कस्तूरी मेथी, अच्छे से पक चुकी है ये। ये देखिए है ना, बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी लग रही है। और राइस भी बनना है, यहाँ पे राइस भी हो गया है, मेरी कढ़ी भी हो गई है निमोड़ा। अब हमने रोटियाँ बनानी है इसे, चलिए इसको हटा देते हैं साइड में, पक चुका है ये। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम हटा के रख दिया है मैंने, और फटाफट से हम बना लेंगे रोटियाँ। हमें छोटी छोटी सी बनानी है, क्योंकि पापा को बहुत छोटी छोटी सी और पतली रोटियां खानी थी, बहुत अच्छी लगती थी। मैं उसी तरह की बना के खिलाऊंगी, पहले गाय की फिर और सबकी बनेंगी।
चलिए फटाफट से रेडी कर लेते हैं रोटियों को। अभी तो मैं ये गाय की बना रही हूँ पहले। वैसे तो होली के दिन क्या होता था कि थाली निकलती थी दो, एक मंदिर में जाती थी एक पंडित जी के घर, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया। लेकिन और उस टाइम पे रोटियां नहीं बनती हैं त्यौहार के दिन बिल्कुल भी, और तवा तो बिल्कुल चढ़ता ही नहीं है। लेकिन इस बार होली वोली सब बेकार है, कोई त्यौहार नहीं समझ में आ रहा है। दिन पे दिन यही हो रहा है कि मतलब त्यौहार कोई भी हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, त्यौहार है क्या है, वो रौनक नहीं रही, वो बात नहीं रही त्यौहारों में। बस ये देखिए हमने बना ली हैं फटाफट से गाय की रोटियाँ। ये देखिए कैसे बलून सी फूल रही हैं छोटी छोटी सी, देखने में भी अच्छी लगती हैं छोटी रोटियाँ। तो मैंने बेल करके एक दो रख दी हैं, तो फटाफट से देखिए हमने रोटियाँ भी सेक ली। देखिए कितनी फूली फूली सी है। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियों को सेक लिया है और मैं लगा देती हूँ इसमें घी गर्मा गर्म रोटियों में, और कैसरोल में रख दूँगी ताकि ठंडी ना हो पाए। कोई भी चीज़ ठंडी नहीं अच्छी लगती थी उनको, तो बिल्कुल गर्मा गर्म ही भेजते हैं, चाहे वो चाय हो चाहे सब्जी हो चाहे पूड़ी हो, सब चीज़ें गर्म चाहिए थी। ये रोटियाँ भी हमारी तैयार हो गई, ये देखिए मैंने लगा दी है, अब ये काम हो गया। अब मैं इसमें कढ़ी भी लगा देती हूँ क्योंकि ये आ रहे हैं खाना लेने के लिए, और पैक कर दिया है मैंने टिफ़िन में। और लगा दिया राइस, तो ये हमारा रेडी हो गया। और एक चीज़ हमें भूल गई थी, जब मैंने ये खाना पैक किया तो मुझे कुछ सुनने लग रहा था। तो मैं यहाँ पर भूल गई थी सब्जी बनाना साथ में, और मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी, दिमाग से ही उतर गया। मैंने फटाफट से दो आलू काटे हैं और जीरा वाले आलू बना दिए हैं मैंने। ये देखिए मैं आलू बहुत बड़े साइज़ के लाती हूँ ताकि एक आलू छील करके फटाफट से मेरा काम हो जाए, क्योंकि मुझे काम भी करने और बच्चों को भी देखना है, सबको मुझे देखना है। देखिए जीरा आलू बनाए हैं और मैंने निमोला कढ़ी बनाई है, कढ़ी है मंगौड़ी की, ये मैंने बनाया जीरा आलू मंगौड़ी, राइस है रोटियां हैं, राइस और ये रोटियां मैंने पैक कर दिया है, ये आ रहे हैं लेने के लिए। और मीठा मैंने बोल दिया है वो वहीं से ले लेंगे, खाना तैयार है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।